नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग अपने ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में टेम्परेरी इमेजेस को डिलीट करेंगे। तो अगर मैं प्रोडक्ट सेक्शन में जाऊं और यहां पर मैं न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूं, तो यहां पर मेरे पास एक सेक्शन है मीडिया नाम का। यहां पर मैं इमेजेस को अपलोड कर सकता हूं। तो मान लो मैं यहां पर इमेज सेलेक्ट कर लेता हूं, मैंने ये वाली इमेज सेलेक्ट कर ली और मैं एक और इमेज सेलेक्ट कर लेता हूं, मान लो मैंने ये वाली इमेज सेलेक्ट कर ली। तो जैसे मैं इमेज अपलोड करूंगा तो पब्लिक फोल्डर के अंदर एक हमारा फोल्डर है जिसका नाम है टेम्प। टेम्प के अंदर हमारे पास टेम्परेरी इमेजेस होती हैं, मतलब टेम्परेरी इमेज जो अपलोड होती हैं वो टेम्प फोल्डर के अंदर आती हैं। तो एक इमेज यहाँ पर अपलोड होती है टेम्प फोल्डर के अंदर, और टेम्प फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है जिसका नाम है थंब। तो थंब के अंदर बेसिकली हमारा थंबनेल बनता है, छोटा इमेज का थंबनेल, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए कि इन इमेजेस को क्लियर कर देना चाहिए। तो अगर यहाँ पर मान लो मैंने प्रोडक्ट जो है वो नहीं क्रिएट किया और मैंने बैक पे क्लिक कर दिया, तो टेम्परेरी फोल्डर में हमारे पास इमेज यहाँ पर स्टोर हो गई। तो ऐसे क्या होगा कि यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस इकट्ठा हो जाएंगी, काफ़ी सारा हमारे पास गार्बेज इमेजेस यहाँ पर स्टोर हो जाएंगी, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए मुझे कुछ ऐसा लॉजिक लिखना चाहिए कि हमारा टेम्परेरी फोल्डर से ये इमेजेस क्लियर होती रहें एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन पे। तो इसके लिए मेरा लॉजिक क्या होगा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसके लिए मुझे जाना होगा PHP माई एडमिन में, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेरी इमेजेस नाम का एक टेबल है हमारे पास, और इस टेबल का स्ट्रक्चर अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ID है, नेम है, क्रिएटेड एट है और अपडेटेड एट, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मैं सबसे लास्ट में जाता हूँ। तो आज की इमेज का टाइम स्टैम्प क्या है तो आप लोग देख लो, यहाँ पर आज है 20 तारीख, ठीक है। तो 20 तारीख से मैं क्या करूँगा, जो भी आज का डेट है, ठीक है, उन इमेजेस को मैं छोड़ दूंगा, उनको मैं डिलीट नहीं करूँगा, और आज की डेट से पहले की जो भी इमेजेस होंगी वो मैं सर्वर से डिलीट कर दूंगा। अब वो कैसे करूँगा, तो मैं एक काम करूंगा, मैं डैशबोर्ड वाले मेथड पे अपना लॉजिक पूरा लिख दूंगा। तो इसके लिए मुझे ओपन करना होगा, ऐप में जाना होगा और फिर HTTP में, कंट्रोलर्स में, और एडमिन के अंदर हमारा एक कंट्रोलर होगा, होम कंट्रोलर, ठीक है। तो होम कंट्रोलर के इंडेक्स मेथड में हम लोग वो लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे ही एडमिन लॉग इन करेगा तो वो डैशबोर्ड पेज पर रिडायरेक्ट होगा। अभी यहाँ पर मेरा लिंक जो है ना डैशबोर्ड का वो सही नहीं है, तो पहले इसे सही कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं साइड बार .blade.php फाइल ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ डैशबोर्ड पे पहले तो लिंक सही कर लेते हैं, राउट, ठीक है, और यहाँ पर admin.dashboard। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो एडमिन जैसे ही लॉग इन करेगा और डैशबोर्ड पेज पर आ जाएगा तो कौन सा मेथड कॉल होगा, इंडेक्स मेथड कॉल होगा होम कंट्रोलर का, और इस इंडेक्स मेथड के अंदर ही हम लोग टेम्परेरी इमेजेस को डिलीट करने का लॉजिक लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिलीट टेम्प इमेजेस हियर, ओके। सो इसके लिए अब मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पर टेम्प इमेज मॉडल को कॉल करूंगा, ठीक है, और क्योंकि टेम्प इमेज मॉडल को मैंने यहाँ पर कॉल किया है तो यहाँ पर इंपोर्ट करना भी ज़रूरी है, आप लोग इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैंने ये क्वेरी यूज़ किया, इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं, डे बिफोर टुडे, ठीक है। सो सब डेज में मैं पास कर देता हूँ 1, ओके। तो एक बार इसको मैं पहले प्रिंट करके देख लेता हूँ, मैं यहाँ पर इसको मैं DD कर देता हूँ, DD डे बिफोर टुडे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या डेट आता है, आज का तारीख है 20। सो इसने मुझे क्या डेट दिया, आप देख सकते हो यहाँ पर 19 तारीख मुझे रिटर्न करा है, ठीक है। तो मैं इस डेट के बिहार पर क्वेरी करूँगा डेटाबेस से, ओके। तो यहाँ पर मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ, ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेयर क्रिएटेड एड, और क्रिएटेड एड में मैं लिखता हूँ इस तरह से लेस देन इक्वल डे बिफोर टुडे, ओके, और यहाँ पर मैं फिर लिखता हूँ गेट, ठीक है, और
और यहाँ पर टेम्प इमेजेस, ओके। और यहाँ पर मैं फॉर ईच कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इस वेरिएबल को यूज़ कर लेता हूँ, की की ज़रूरत नहीं है, इसे हटा देते हैं। और यहाँ पर टेम्प इमेज, ठीक है। और अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ इको करके आपको दिखाता हूँ, पर मैं इको कर देता हूँ टेम्प इमेज का क्रिएटेड एट कॉलम, ठीक है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आईडी प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ टेम्प इमेज का आईडी, ओके। और साथ ही साथ यहाँ पर एक vr टैग भी दे देते हैं, ओके। सो अभी इसको रिलोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक लंबी सी लिस्ट आ चुकी है और ये 4 तारीख है, ठीक है। और नीचे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 6ठा महीना और 21 तारीख। तो आज की डेट अगर हम लोग देखें तो इसने आज की डेट को इग्नोर कर दिया है, तो बिल्कुल सही लॉजिक है। आज की डेट का मुझे डेटा डिलीट भी नहीं करना है, मुझे आज के दिन से पहले की जितने भी इमेजेस हैं वो डिलीट करनी। तो इसने सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लिए हैं आज की डेट से पहले के, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसको हटा देना है, इसको भी हटा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग फाइल फसाद को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फाइल, ठीक है। और क्योंकि मैंने यहाँ पर फाइल फसाद को यूज़ किया तो उसे इम्पोर्ट करना भी ज़रूरी है। देखो यहाँ पर ये यह इम्पोर्ट हो चुका है, आप लोग भी कर लेना। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक मेथड होता है एग्जिस्ट, ठीक है। और इस एग्जिस्ट मेथड में मैं पास करूँगा इमेज का लोकेशन, टेम्परेरी इमेज का लोकेशन। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पाथ, पाथ इक्वल्स टू क्या होगा, पब्लिक पाथ, एक मेथड होता है उसे यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मुझे इमेज का पाथ देना होगा, तो टेम्प, टेम्प के अंदर डायरेक्ट हमारा इमेज है, और यहाँ पर मुझे देना होगा टेम्प इमेज का, टेम्प इमेज का नेम, ठीक है, ओके। और इसके बाद एक सेकंड पाथ है जो थंब का पाथ है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थंब पाथ, क्योंकि हमें दो इमेज डिलीट करनी, पहला तो मेन फोल्डर से यानी कि टेम्प फोल्डर से और दूसरा थंब फोल्डर से। सो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए और पाथ पहले चेक कर लेते हैं। तो मैं इको कर देता हूँ यहाँ पर और इसको भी इको करता हूँ, बीच में एक vr लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी vr लगा देता हूँ और इनफैक्ट यहाँ पर 2 vr कर देते हैं, ओके। तो अगर यहाँ पर हम लोग पाथ देखें तो डी जैम्ब एच टी डॉक्स लारावेल ऑनलाइन शॉप, फिर हमारा पब्लिक फोल्डर है, पब्लिक फोल्डर के अंदर टेम्प फोल्डर है और यहाँ पर, तो पाथ हमारा बिल्कुल सही है और थंब पाथ, और थंब पाथ में यहाँ पर हमारा थंब होना चाहिए था, ठीक है। तो सही है बिल्कुल यहाँ पर ये। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कमेंट हटा देंगे और इमेज को डिलीट करेंगे। डिलीट करने से पहले इफ कंडीशन जरूर लगाएंगे, डिलीट डिलीट मेन इमेज, ओके। और यहाँ पर इफ और फाइल एग्जिस्ट को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, यहाँ पर दे देता हूँ और इस फाइल एग्जिस्ट में यहाँ पर मैं पाथ में देता हूँ, ठीक है। इफ फाइल एग्जिस्ट यानी कि जो मेन इमेज है वो अगर एग्जिस्ट कर रही है तो हम उसे डिलीट कर देंगे। कैसे डिलीट करेंगे, फाइल डिलीट, ठीक है, और इसके अंदर ये पाथ को पास कर देंगे, ओके। इसे ही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर डिलीट थंब, थंब इमेज, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर पाथ में मुझे देना होगा थंब पाथ। सो इतना कोड अब क्या करेगा कि
कि हमारा टेम्परेरी फोल्डर से इमेजेस को डिलीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर इस लाइन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कार्बन लाइब्रेरी का यूज करके आज की डेट से पहले का डेट यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, डे बिफोर टुडे में आज की डेट से पहले का डेट मुझे मिल जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर क्वेरी किया है क्रिएटेड एट कॉलम के बिहार पर, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, लेस देन इक्वल। तो यहाँ पर क्या होगा कि आज की डेट से पहले के जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे रिकॉर्ड्स सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्प इमेजेस में मुझे एक कलेक्शन मिलेगा जिसको मैंने यहाँ पर फॉरिच कर लिया है। फॉरिच करने के बाद में यहाँ पर मैंने सबसे पहले मेन इमेज का पाथ यहाँ पर निकाल लिया है, फिर यहाँ पर मैंने थंब पाथ निकाल लिया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैंने पहले चेक किया है कि अगर मेन इमेज एग्जिस्ट कर रही है तो उसे मुझे क्या करना है, डिलीट करना है, और अगर थंब वाली इमेज एग्जिस्ट कर रही है तो उसे भी मुझे डिलीट करना है। तो अब इसे ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, पहले मैं लॉग आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और लॉग आउट कर देता हूँ। ठीक है, और अभी अगर यहाँ पर देखें तो अभी यहाँ पर सारी इमेजेस हमारे पास। तो अब मैं यहाँ पर लॉग इन करता हूँ admin@example.com और पासवर्ड है 123456। ठीक है, और मैं करता हूँ लॉग इन। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ इमेजेस यहाँ पर डिलीट हो चुकी हैं। ठीक है, और थंब से भी डिलीट हो गई हैं। अब मैं काम करता हूँ, मैं चेक करता हूँ अपना डेटाबेस। अच्छा, एक चीज़ और मुझे यहाँ पर करनी चाहिए थी। यहाँ पर मुझे इमेजेस को डिलीट करने के साथ साथ टेम्परेरी इमेजेस टेबल से डेटा को भी डिलीट कर देना चाहिए था। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं क्वेरी लिख देता हूँ डिलीट का। तो टेम्प इमेज और वेयर आईडी, और आईडी में मैं क्या दूंगा, यहाँ पर टेम्प इमेज का आईडी, और फिर इसके बाद यहाँ पर डिलीट। ठीक है, सो अब क्या होगा कि हमारा इमेज तो डिलीट हो गया ही, साथ ही साथ टेम्परेरी टेबल से रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएंगे। तो अब अगर मैं यहाँ पर फिर से यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूँगा तो वो मेथड हमारा फिर से चलेगा। मतलब कौन सा मेथड, इंडेक्स मेथड होम कंट्रोलर का। तो फिर से हमारा ये प्रोसेस रन होगा। ओके, तो अब यहाँ पर मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। तो आज की सिर्फ आज की डेट के जो रिकॉर्ड होंगे वही यहाँ पर आपको दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, सो आज 20 तारीख है, तो 20 तारीख के यहाँ पर आपको सारे रिकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर जा करके मैं इनका डेट चेंज कर देता हूँ। इसको मैं डायरेक्ट चेंज करके यहाँ पर 19 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ दो रिकॉर्ड छोड़ दिए, तो बाकी सब के लिए मैंने डेट चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर 19 वाला जो रिकॉर्ड है, 19 वाले जो भी रिकॉर्ड हैं वो क्या हो जाने चाहिए, डिलीट हो जाने चाहिए, और उसका इमेज भी डिलीट हो जाना चाहिए। तो अब मैं काम करता हूँ, मैं फिर से लॉग आउट करता हूँ और फिर से लॉग इन करता हूँ। तो admin@example.com और पासवर्ड है 123456। ठीक है, तो अब जैसे मैं लॉग इन करूँगा अभी देखना यहाँ पर ये इमेजेस डिलीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इमेज आई थिंक डिलीट नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, यहाँ पर चेक करते हैं। सो क्वेरी एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर क्वेरी क्या बन रहा है। तो इसके लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको इको करता हूँ, तो देखते हैं क्या डेट बन रहा है। तो यहाँ पर 2023/11/19। ठीक है, तो क्वेरी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैंने लिखा है टेम्प इमेज वेयर क्रिएटेड एट लेस देन इक्वल बिफोर टुडे। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर साथ ही साथ HIRS यहाँ पर टाइम स्टैम्प भी साथ में मैंने दे दिया। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर डेट था, अभी मैंने यहाँ पर टाइम भी ऐड कर दिया है। तो अब अगर मैं फिर से रिलोड करूँ तो देखते हैं यहाँ पर डिलीट होती है इमेजेस की नहीं। सो यहाँ पर ओके, सो अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी सारी इमेजेस डिलीट हो गई हैं, और थंब में अगर चेक करें तो थंब से भी सारी इमेजेस अब डिलीट हो गई हैं। तो मेरा ये प्रोसेस बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मेरा टाइम स्टैम्प मिसिंग था, इस वजह से वो इस कंडीशन को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहा था। सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।